तमिलनाडु का रहने वाला वो लड़का जो आईएएस का ख्वाब लिए 6 बार असफल हुआ, लेकिन 7वीं बार में हासिल किया सफलता। पैसों की किल्लत हुई तो होटल में वेटर की नौकरी किया, जरूरत पड़ी तो सिनेमा हॉल में भी काम किया, लेकिन अपने उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और आखिरकार बन गया आईएएस अधिकारी। 3 बार गाँव में रहकर यूपीएससी का पेपर दिया लेकिन हो गया असफल, फिर छोड़ दिया गाँव और घर, तैयारी के लिए चला गया चेन्नई और फिर शुरू किया विजय अभियान। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सफलता की ओर आगे बढ़ पाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपना मुकाम हासिल करते हैं। उनमें से एक मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले जय गणेश हैं, जिन्होंने बार बार असफलता मिलने के बाद भी हार नहीं मानी और के गणेश लगातार 6 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में असफल रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर 7वीं बार आईएएस बनने का ख्वाब और सपना पूरा किया। जय गणेश अपने पहले 6 प्रयासों में यूपीएससी परीक्षा पास करने में असफल रहे और इसी बीच उनका चयन इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो गया, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था और इसके चलते उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम किए बिना अपनी पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार उन्होंने 7वें प्रयास में यह परीक्षा पास कर ली। 7वें प्रयास में उन्होंने देश में 156वें रैंक के साथ आईएएस बने और अपना सपना पूरा किया। पढ़ाई के लिए गांव छोड़ दिया और जय गणेश ने अपने पहले 3 प्रयास गांव से ही निकाले थे, लेकिन वो असफल रहे थे और इसके बाद उन्होंने गांव छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चेन्नई चले गए। उन्होंने चेन्नई में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आईएएस में दाखिला लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद भी अगले 3 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया, लगातार तैयारी करते रहे और जिसके चलते उन्हें 7वीं बार सफलता मिल गई। खर्च चलाने के लिए वेटर का काम किया। चेन्नई में रहने के दौरान उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी। उन्होंने इस शहर में कई जगहों पर काम किया। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक होटल में वेटर की नौकरी भी की और इसके अलावा उन्होंने कुछ दिनों तक सिनेमा हॉल में भी काम किया ताकि उनकी तैयारी में कोई बाधा ना आ सके। यह जुनून ही था कि अंततः उन्हें खुद को आईएएस अधिकारी के रूप में स्थापित करने में मदद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज़।